बाग इसको खा करके हांगकांग, बैंकॉक, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस, वायपिंग सिटी होते हुए उड़ान भरते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पता है मुझे सबसे सही क्या लगा? ये पत्थर, ये जो पत्तों में सर्व होते हैं ना, ये बहुत सही लगा, क्योंकि आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अपने नेचर तक को भूल चुके हैं। ये सारा खाना ना पत्तल में सर्व होता है। सन 1980 में मैं 10वीं की परीक्षा देके कलकत्ता गया था। मैं यहाँ आया, गांव आया तो मेरे पिताजी शांत हो चुके थे। खमागणी दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बर्निंग स्पाइसेस में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आया हूँ जयपुर में, और बेसिकली ये है कलकत्ता चाट भंडार, और इनके ओनर है पंडित जी, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया, और यहाँ मैं ट्राई कर लूँगा मसाला चीला, और जो कि बना हुआ है मल्टी ग्रेन, हर टाइप के ग्रेन से, और सबसे बड़ा दही बड़ा। तो अंकल, अब आप बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार साहब। नमस्कार दर्शकों, आज हम बताएंगे बनने स्पाइसेस के बारे में। बिल्कुल। तो आओ, अब आप बताइए, अब कब से आपकी शॉप है और कितना टाइम हो गया, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा इस चीज़ के पीछे, कितना स्ट्रगल किया, थोड़ा ब्रीफ में बताइए संक्षेप में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें कवर करना है। ठीक है। सन 1980 में मैं 10वीं की परीक्षा दे के कलकत्ता गया था, और वहाँ जा करके 60 रुपया महीने में मैं किसी के पास में रहा। दो चार महीना रहने के बाद मैं सीख गया, और सीखने के बाद में उस सेठ इतना राजी हो गया, करीबी ले लिया उसने, कि उसने मेरे को अलग ही धंधा खुलवा दिया। ये हुई बात। और 10 साल तक मैं वो काम करता रहा चाट का। फिर 10 साल मैं यहाँ आया, गांव आया तो मेरे पिताजी शांत हो चुके थे। अब मेरी शादी करवा दी साहब, एक महीने के अंदर अंदर मैं शादी करवा दी, वही वापस नहीं चले जाए। शादी के बाद ये हाल हुआ कि मैडम बोली मैं तो साथ रहूँगी, माँ बूढ़ी थी, तो कलकत्ता जाना नामुमकिन हो गया मेरे लिए, और अकेला ही आकर के ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पर धंधा लगाया। जब मैं धंधा लगा करके एक दो दिन तो बाज़ार में करता रहा, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन मैं यहाँ पर आ गया। फिर मैंने वो डबल माल बनाया, वो भी ख़त्म, फिर भी यही समस्या 10-5 दिन चलती रही, माल बढ़ाता गया, और ऐसा हो गया कि भाई अब बढ़िया चल रही। फिर ये समस्या आ गई कि इसका क्या नाम रखें, बिना नाम का ही चला रखा था, तो नाम के लिए कलकत्ता मेरी रग रग में बसा हुआ था। हाँ जी। तो फिर मैंने कलकत्ता चाट भंडार का बोर्ड लगा दिया। तो आज आप हमें क्या खिलाएंगे? आज हम आपको मल्टीग्रेन चीला, मल्टीपल सेज चीला खिलाएंगे, और दही बड़ा, आलीशान दही बड़ा। क्या बात है, तो चलिए साथ मिलकर आइए सरकार, ट्राई करते हैं। आपके लिए हमें मल्टीग्रेन चीला, मल्टीपल सेजन चीला तैयार कर रहे हैं। उसके लिए ये दाल का घोल है सर। हाँ, इसमें कई तरह की दाल है। सीक्रेट मसाले। हाँ, हो गया ना ये। और अब इसमें अपने प्याज डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए, फिर इसमें अदरक के टुकड़े डाल दिए, और ये हरी मिर्चियाँ, ग्रीन चिली, ये पनीर डाल रहे हैं सर। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या भरवर का पनीर डाला जा रहा है इसमें, और दिखने में मतलब इसकी महक इतनी आउटस्टैंडिंग है, अच्छे अच्छे वो क्रेविंग कर दी। अरे लोग बाग इसको खा करके हांगकांग, बैंकॉक, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस, वायपिंग सिटी होते हुए उड़ान भरते हैं। ये बात बिल्कुल सही लगी। आपको कहाँ के भरनी है? मेरे को भी इससे अब अपने देश में तो कई जगह ले गए लोग बाग, बाहर की भरनी है सब। एक बार पलटा जा रहा है, कलर देखिए आप, क्या रेडनेस आ रही है इसमें। तो गाइस, जब तक हमारा चीला लगे, हम लेंगे यहाँ के कस्टमर का फीडबैक कि क्या सोचते हैं इस चीले के बारे में, और क्यों है इतनी मशहूर ये जयपुर की फेमस काट।
लोकेशन प्राइस सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अब हम करने वाले हैं इनका रिव्यू, अपना नाम बताएंगे। नमस्ते, हाँ जी, मेरा नाम राजेश शर्मा है और स्पेशली केवल ये चीला खाने के लिए आज संडे था तो अपने फैमिली के साथ मैं दौसा से आया हूँ। और जब भी हमारा मन होता है महीने में एक बार दो बार यहाँ अवश्य आते हैं। अब आप पूछना चाहते हैं कि इनका जो चीला है और दही बड़ा है वो इतना फेमस क्यों है, इतना अच्छा क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यह है कि खाने के बाद में किसी प्रकार की डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होती, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें डालते हैं इसमें कि किसी भी प्रकार से आपको डाइजेशन संबंधी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दही और सारी चीज़ें इतनी ताज़ा और इतनी अच्छी से काम में लेते हैं कि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। अब आपका चीला तैयार हो चुका है, इसके लिए मसाले तैयार हो रहे, लगा रहे हैं चटनियाँ। एक मिनट आप इधर आइए। छोले की चटनी है सर, ये देसी चने हैं उसकी चटनी है, काले चने। और ये है पंड खजूर की मीठी चटनी, ये पंड खजूर की मीठी चटनी है। और ये हरा भरा पुदीने की चटनी है। और ये मिर्ची FM 2025, ये लहसुन की चटनी है और इसको खाते ही दिमाग रोशन हो जाता है। एक में प्लेन दही रखेंगे, प्लेन दही है, एक दही है प्लेन है, एक में इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। और इसमें पांचों चीज मिक्स, हाँ इनका इनका सबका अलग अलग आनंद आएगा। तो गाइस हमारे लिए मल्टीग्रेन चीला कलकत्ता स्टाइल में, और ये दही बड़े की आप देख सकते हैं प्लेट पूरा भरा पड़ा है। इसका कॉन्सेप्ट पता है मुझे सबसे सही क्या लगा, ये पत्तल, ये जो पत्तों में सर्व होते हैं ना, ये बहुत सही लगा क्योंकि आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अपने नेचर तक को भूल चुके हैं। ये सारा खाना ना पत्तल में सर्व होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और अब मैं करने वाला हूँ इसका रिव्यू और बताऊँगा क्या इसका टेस्ट रहता है, कि अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। तो चलिए साथ मिलकर ट्राई करते हैं। और पहले मैंने अपना पहला बाइट ले लिया है और इसको मैं डिप करूँगा ये चने के साथ। मल्टीग्रेन का टेस्ट देखने को मिला, वाकई में बहुत ऑसम टेस्ट है ये। ये चटनी का नाम क्या बताया था आपने, रेड चटनी का, रेड ये मिर्ची FM 2025। इसने सही में 2025 का FM बजा दिया मेरा, हद स्पाइसी। ये रेडियो चालू करती है, सही में बहुत हद स्पाइसी है। ग्रीन मिर्च चटनी वाकई में बहुत औसम है। और ये खजूर की चटनी, इतनी स्वीट है, मुंह में जा देना आपको स्वीटनेस का टेस्ट देखने को मिलेगा। और ये पंचरत्ना जिसमें दही में पांच चीज मिली हुई है, FM 2025 ही मिला हुआ है। लास्ट बाइट ट्राई करूंगा, इसके बाद करूंगा दही बड़े का रिव्यू। पूरा टेस्ट रिच में देखने को मिलेगा आपको, इतना फ्लोरिश टेस्ट देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये है असली चीज दही बड़ा, बिगेस्ट दही बड़ा। यूजली आप जाएंगे ना राजस्थान में, वहाँ पे वड़े का साइज लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, कहीं छोटा कहीं आपको त्रिकोण में देखने को मिलेगा, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स है। ये देखिए कितना पूरा, मतलब फिलिंग के साथ भरा हुआ है और चम्मच में नहीं आ रहा, इतना बड़ा है। सेम इंग्रेडिएंट आपको दही में बड़े के साथ देखने को मिलेंगे। तो गाइस मेरा रिव्यू हुआ फिनिश, अब मैं करने वाला अपनी डिश को फिनिश, क्योंकि अगर एक एक चीज़ का एक एक बाइट का मैं रिव्यू बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो अब हो गया आपसे विदा लेने का वक्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आपको किस टाइप के चीला दही बड़े सबसे ज़्यादा पसंद है, और यहाँ ज़रूर आइएगा कलकत्ता चाट भंडार, लोकेशन प्राइस सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, थैंक यू।